अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने वाले पुणे के नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में सीबीआई ने 3 साल बाद बड़ी गिरफ्तारी की है। इस मामले में पुणे की सनातन संस्था से जुड़े हिंदू जनजागरण समिति के सदस्य डॉक्टर वीरेंद्र तावड़े को गिरफ्तार किया गया। सनातन संस्था इस गिरफ्तारी को अपने खिलाफ साजिश बता रही है। पुणे की सनातन संस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इस संस्था के बोर्ड पर जिस जनजागृति समिति का नाम लिखा है उसी से जुड़े एक सदस्य को अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 3 साल पहले 20 अगस्त 2013 को डॉक्टर दाभोलकर की उस वक्त हत्या कर दी गई थी जब वो सुबह टहलने के लिए निकले थे। 20 अगस्त 2013 को पुणे के इसी विट्ठल रामजी मंदिर पुल पर डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या कर दी गई थी। 2 बाइक सवारों ने डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, जो मॉर्निंग वॉक करते हुए सवेरे यहां से गुजर रहे थे, उन पर गोलियां बरसाई थी और उनकी हत्या की थी। 3 साल तक ये पूरा मामला चला। कई बार आरोप लगे कि इसके पीछे राइट विंग जो एक्टिविस्ट हैं वो हैं। सबूत नहीं थे, लेकिन अब सीबीआई ने इस मामले में सबसे पहली गिरफ्तारी की है डॉक्टर तावड़े की। सीबीआई ने डॉक्टर वीरेंद्र तावड़े को मुंबई के पनवेल से गिरफ्तार किया। ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर तावड़े करीब 20 साल से हिंदू जनजागरण समिति से जुड़े हुए हैं। सीबीआई के मुताबिक वो कई कार्यक्रमों में खुलकर नरेंद्र दाभोलकर का विरोध कर चुके थे। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर तावड़े के घर की छापेमारी के दौरान कई ऐसे ईमेल और फोन नंबर मिले जिनसे तावड़े पर इस मामले से जुड़े होने का सुराग मिला। जानकारी के मुताबिक तावड़े 2009 में गोवा में हुए विस्फोट के मामले में फरार चल रहे सारंग आकोलकर के संपर्क में भी थे। इसी आधार पर सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया। हालांकि सनातन संस्था तावड़े की गिरफ्तारी को उनके खिलाफ साजिश बता रही है। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह तावड़े ये सनातन आश्रम में वैद्य की सेवा देते थे। वो एक खुद ENT सर्जन है और अत्यंत मितभाषी व्यक्तिमत्व है। इनको जिस प्रकार से वो मास्टरमाइंड वगैरह अरेस्ट किया गया है, ये सुन के भी हम आश्चर्यचकित है। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि सनातन संस्था पूरी तरह से निर्दोष है, साधक भी निर्दोष है। ये संस्था को फंसाने का एक षड्यंत्र। सनातन संस्था इससे पहले लोगों को सम्मोहित करने के मामले में चर्चा में आई थी। सनातन संस्था के संस्थापक डॉक्टर जेबी आठवले खुद जाने माने सम्मोहन शास्त्री हैं। इसी सनातन संस्था की वेबसाइट पर दाभोलकर की फोटो के सामने उस समय क्रॉस का निशान लगा दिया गया था जब वो अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ अभियान चला रहे थे। डॉक्टर दाभोलकर के अभियान के कारण ही महाराष्ट्र में जादू टोना विरोधी कानून बना। जो महाराष्ट्र में जादू टोना अंतर्गत जो कानून बनाए और डॉक्टर दाभोलकर 18 साल इस कानून बनाने के पीछे थे, और जब ऐसा लगा था कि अब कानून बन ही जाएगा, तब उस कानून को विरोध करने वाले जो संगठन थे उन संगठनों को लग रहा था कि डॉक्टर दाभोलकर को मार दिया जाए तो ये कानून की लड़ाई खत्म हो जाएगी। नरेंद्र दाभोलकर ने पुणे में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का गठन किया था। उनकी हत्या के बाद पूरे महाराष्ट्र में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद 2014 में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के लोगों के मुताबिक उन्हें उम्मीद है कि डॉक्टर दाभोलकर को इंसाफ मिलेगा और उनकी हत्या से जुड़े और लोगों की भी गिरफ्तारी होगी। इस समय सनातन संस्था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सनातन संस्था से जुड़े ही वीरेंद्र तावड़े को गिरफ्तार किया सीबीआई ने और 16 तारीख तक के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया है वीरेंद्र तावड़े को। उसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस साध्वी जी को 8 साल जेल में रहना पड़ा। आज जांच एजेंसियां कहती है कि वो निर्दोष है, उनके बारे में हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है। उनका जो जीवन उध्वस्त हुआ है, ना उनको भर के दे सकता है, ना उनके जीवन की हानि कोई भर के दे सकता है, ना हिंदुत्व की हुई हानि कोई भर के दे सकता है। एक साध्वी को पूरे जीवन से बर्बाद किया गया। उसी प्रकार से हमारे साधकों ने गोवा ब्लास्ट केस में, जो मड़गांव ब्लास्ट केस के नाम से ज्यादा लोगों को जानकारी थी, उसमें 6 साधकों को अरेस्ट किया गया। कोई MBA स्टूडेंट था, कोई लॉ स्टूडेंट था, कोई इंजीनियरिंग का विद्यार्थी था। 4 साल उनको अपने जीवन के जेल में बिताने पड़े। उनका जीवन बर्बाद हुआ, कोई इंजीनियरिंग पूरा कर नहीं पाया, किसी के व्यक्तिगत जीवन की, हर एक की व्यक्तिगत जीवन की हानि हुई, वो भरके नहीं निकली।
सनातन संस्था का चेहरा एक दहशतवादी, हिंदू दहशतवादी संगठन करके पूरे विश्व भर में जो मडगांव ब्लास्ट केस के कारण गया, वो संस्था की जो हानि हुई, जो बदनामी हुई, वो ना कभी भर के निकली। चार साल के बाद ये केस का जब भी जजमेंट आया, वो जजमेंट में आपको संक्षेप में पढ़ के दिखाता हूँ, उसके सिर्फ दो लाइन्स पढ़ के दिखाता हूँ। 218 पन्ने के ऊपर माननीय न्यायाधीश ने इस केस का जजमेंट देते हुए कहा कि द वेरासिटी ऑफ एफआईआर इज सीरियसली इन डाउट। फैक्ट्स स्टेटेड इन एफआईआर अपीयर टू बी मैनिपुलेटेड विद इंटेंशन टू रोपिंग सनातन संस्था इन द ऑफेंस। सनातन संस्था को बदनाम करने के लिए एफआईआर दाखिल किया गया। ये जो हानि हुई वो कभी भर के नहीं निकल सकती है। साध्वी के बारे में हमने अनुभव किया, वही मडगांव ब्लास्ट के बारे में अनुभव किया। 6 के 6 साधक निर्दोष बरी हुए, निर्दोष बरी किए गए। 4 साल के बाद न्याय मिला, लेकिन 4 साल तो गए। समीर गायकवाड़ को बाद में अरेस्ट किया गया। जांच एजेंसियों ने कहा कि हमने पानसरे खून केस क्रैक किया है। पानसरे जी के खून के हत्यारे, पानसरे जी के हत्यारे मिल गए करके समीर गायकवाड़ के बारे में जांच एजेंसियों ने बहुत बड़ी एक पत्रकार परिषद ली। बाद में क्या हुआ, जब भी जांच एजेंसियों ने चार्जशीट दाखिल की, आरोप पत्र दाखिल किया, उसमें एक भी सबूत वो लोग नहीं दे पाए, एक भी सबूत। आज हमारा एक निष्पाप निर्दोष बहुत ही गरीब घर का लड़का, जिसके घर में खाने की तादाद है, ऐसे घर का लड़का जेल में सड़ रहा है। उसका जीवन, उसका परिवार उद्ध्वस्त हो गया है। 8 महीने हो गए आज वहां उनका, पानसरे जी का परिवार और यह सरकार सरकारी वकील के माध्यम से उसमें तांत्रिक अड़चने ला रही है और कह रही है कि समीर गायकवाड़ का पानसरे केस जो है हम चलने नहीं देंगे, ट्रायल नहीं चलने दे रहे। ये तो संवैधानिक अधिकार की हनन हो रहा है, अन्याय हो रहा है। ये समीर गायकवाड़ को न्याय नहीं मिलता तब तक ये सीबीआई आगे आई और उन्होंने छापे मारे। वो छापे का पहले ही न्यूज ट्वीट किया गया और कल कहा गया कि हमने डॉक्टर वीरेंद्र सिंह तावड़े जी को अरेस्ट किया है, हमने दाभोलकर केस कैप किया। अरे वाह, क्या चल रहा है? साध्वी जी का छल किया, 6 साधकों का छल किया गोवा केस में, समीर का छल किया, और एक नया पहलू अभी डॉक्टर तावड़े जी जैसे ईएनटी सर्जन को। आप ये पढ़ाई की जरूर जानकारी रखते हैं, एक ईएनटी सर्जन को कब्जे में ले लिया कि कह रहे हैं कि हम इनको, इन्होंने केस क्रैक किया, इन्होंने दाभोलकर जी का मर्डर किया। आज की स्थिति है, सीबीआई ने वहां पे प्रोड्यूस किया है, अभी अभी चैनल के ऊपर आ रहा है, कुनाळेकर जी ने कहा है कि इनको एक दिन का भी पीसी नहीं मिल सकता। इस प्रकार के कोई सबूत सीबीआई सामने नहीं रख पा रहा। आपको संविधान ने अधिकार बहुत सारे दिए हुए हैं, उस अधिकारों का गैर वापर करके, गलत इस्तेमाल करके एक ईएमटी सर्जन को आपने अरेस्ट करवा दिया, क्योंकि आपको केस सुलझ नहीं रहा था। कोई नहीं मिलता है तो सनातन का साधक पकड़ो, एक पॉलिसी बन गया है कि कोई नहीं मिलता है ना तो सनातन के साधक को पकड़ो, उसकी न्यूज बना दो। बहुत बड़ा प्रेशर आता है, प्रेशर रिलीज हो जाता है, हिंदुओं के खिलाफ बोलने वाले पुरोगा भी फूट पड़ते हैं, उनके लिए खाना मिलता है, बस हो गया बात। तो दाभोलकर हत्याकांड में वीरेंद्र तावड़े की जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर सवाल उठाए हैं। सभी आरोपों को नकारा है सनातन संस्था ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर।